की बात है, एक छोटी सी लड़की थी। वो हमेशा एक रेड कलर की राइडिंग हुड पहनती थी, इसलिए सब उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड बुलाते थे। बेटी। हाँ मम्मी। तुम्हारी नानी माँ बीमार है ना, तुम उनके लिए ये ताज़ा कुकीज और जड़ी बूटी लेके जाओगी? बिल्कुल ले जाऊंगी मैं मम्मी। हमेशा की तरह अपना रेड राइडिंग हुड पहनी हुई वो अपनी नानी के घर को चल पड़ी। बनी फॉरेस्ट के रास्ते से नीचे मत उतरना बेटी। लिटिल रेड राइडिंग हुड हंसते गाते अपने रास्ते जा रही थी। पता नहीं इसे बनी फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, मैंने तो एक भी बनी नहीं देखी अभी तक। फूलों से भरे रास्ते पे पहुंची। रंग बिरंगे कई तरह के फूल थे। नानी के लिए कुछ फूल ले जाती हूँ, बड़ी खुश हो जाएंगी वो। फूल चुनते हुए ध्यान नहीं रहा कि वो अपने रास्ते से नीचे उतर गई थी। तभी उसे झाड़ियों से एक आवाज आई। अचानक एक बड़ा भेड़िया उसके सामने आया। उसको देख के लिटिल रेड राइडिंग हुड इतना डर गई थी कि उसके हाथ से बास्केट गिर गई। भेड़िया ने फटाफट बास्केट से कुकीज उठाए और वापस लिटिल रेड राइडिंग हुड को दे दिया। भेड़िये की इस अच्छाई से लिटिल रेड राइडिंग हुड बहुत खुश हुई। थैंक यू। अरे तुम कहाँ जा रही हो बच्ची? नानी के घर, इस जंगल के आखिर में जो येलो कलर का घर है वो ही। उनकी तबीयत खराब है इसलिए मैं उनके लिए कुकीज और जड़ी बूटी लेके जा रही हूँ। तुम मुझे लिटिल रेड राइडिंग हुड बुला सकते हो? तो मैं पहले जाकर तुम्हारी नानी को बता देता हूँ कि तुम आ रही हो, और तुम आराम से फूल लेके आ जाना। तभी उसे किसी शिकारी की गोली की आवाज आई और वो उड़न छू हो गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड को एकदम से रोना आ गया क्योंकि वो खो गई थी। उसका रोना सुन के शिकारी उसके पास आया। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? यहाँ बहुत खतरा है। मैं खूंखार भेड़ियों को ढूंढ रहा हूँ, काफी वक्त से मुझसे भाग रहा है वो। लिटिल रेड राइडिंग हुड शर्मिंदा थी क्योंकि उसने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी, इसलिए वो शिकारी को नहीं बताना चाहती थी कि उसने भेड़िये को देखा है। मैं तो बस, मेरी नानी माँ बीमार है, कुकीज ले जा रही थी और रास्ते में खो गई। तो मैं तुम्हें तुम्हारे नानी के घर छोड़ देता हूँ। वो साथ साथ चल पड़े और तब ही भेड़िया भी नानी माँ के घर पहुंचा और दरवाजे पे नॉक किया। नानी माँ ने पुकारा, कौन है भाई? मैं हूँ नानी माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड। मैंने कुकीज और जड़ी बूटी लाई है आपके लिए। दरवाजा खुला है बेटी, अंदर आ जाओ। भेड़िया अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड और शिकारी नानी माँ के घर पहुंचे। अब तुम जाओ बच्ची, अपनी नानी के पास जाओ। शिकारी अपने रास्ते लौट गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने दरवाजे पे नॉक किया। कौन है भाई? मैं हूँ नानी माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड। दरवाजा खुला है बेटी, अंदर आ जाओ। लिटिल रेड राइडिंग हुड कुछ पल के लिए हिचकिचाई क्योंकि ये आवाज नानी माँ से थोड़ी अलग लग रही थी। तब ध्यान आया कि नानी माँ तो बीमार थी। बीमार है ना नानी माँ, इसलिए उनकी आवाज ऐसे आ रही है।
वो दरवाजा खोल के अंदर गई। भेड़िया सारे कपड़े, टोपी और चश्मा भी नानी माँ के पहनकर बिस्तर पे लेटा था। उसने पर्दे खींचकर अंदर अंधेरा रखा था ताकि लिटिल रेड राइडिंग हुड उसे देख ना सके। प्यारी बच्ची, इतनी दूर चल के तुम मेरे लिए खाना लेके आई, पास तो आओ बेटी, तुमसे गले तो मिलूं। जल्दी आओ, इतनी दूर क्यों हो? लिटिल रेड राइडिंग हुड ने बास्केट नीचे रखा पर ज्यादा पास नहीं गई क्योंकि नानी माँ कुछ अलग सी दिख रही थी। आपके हाथ इतने लंबे कैसे हो गए? ताकि तुम्हारा हाथ थाम सकूं। और इतने बड़े कान? तुम्हारी प्यारी आवाज सुनने के लिए। बड़ी बड़ी आंखें? तुम्हें जी भर के देखने के लिए। और ऐसे नुकीले दांत नानी माँ? तुम्हें चबा चबा के खाने के लिए। भेड़िया कूदा लिटिल रेड राइडिंग हुड की तरफ। तब लिटिल रेड राइडिंग हुड को मालूम हुआ कि बिस्तर पर नानी माँ नहीं बल्कि वो खूंखार भेड़िया था। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे। शिकारी तक उसकी आवाज पहुंची। और वो दौड़कर उस घर तक गया। दरवाजे के अंदर जाके भेड़िये को पकड़ा। आखिरकार तू पकड़ा ही गया भेड़िये, अब तू चल यहाँ से, देखता हूँ तुझे। शिकारी ने भेड़िये के पेट से नानी माँ को बाहर निकाला। हमें बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया शिकारी अंकल। कोई बात नहीं बच्ची, पर वादा करो कि तुम हमेशा मम्मी की बात मानोगी। नानी माँ को इतनी भूख लग रही थी कि उन्होंने सारी कुकीज खाई, जड़ी बूटी की दवा बनाई और फटाफट से ठीक हो गई। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने वादा किया कि किसी खूंखार भेड़िये की बातों में वो कभी नहीं आएगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड एक बार जंगल में खेल रही थी, वो भी अकेली, और तभी उसके सामने फिर से वही भेड़िया मिला। भेड़िये को शिकारी ने जंगल की सफाई करने की सजा दी थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखते ही उसे अपनी कर्मी पे शर्मिंदगी महसूस हुई। बनी फॉरेस्ट भर गया एक बार फिर से खुशियों, बनीज और फूलों से, बिल्कुल वैसा जैसे पहले हुआ करता था।